आईएलबीएस प्रांगण में आदरणीय सौरभ भारद्वाज जी का बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत। नरेश यादव जी जो हमारे अपने हैं, बहुत अभिनंदन और धन्यवाद। और सुरेंद्र शर्मा जी जो शुरू से जुड़े हुए हैं, जो हम सबको खुश रखते हैं, बहुत बहुत स्वागत सुरेंद्र भाई। ऑल्सो प्रोफेसर जीपी तलवार, अवर यंगेस्ट 96 ईयर ओल्ड साइंटिस्ट, थैंक यू प्रोफेसर तलवार। ही हैज़ मेड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी एंड इज़ ऑल्सो द लाइटिंग फिगर फॉर ऑल ऑफ अस। सैल्यूटेशन सर फॉर कमिंग। एस एल जैन साहब हमारे बहुत अभिन्न एंड जो पूरे दिल्ली के स्कूल्स को चलाते थे किसी समय में, थैंक यू जैन साहब एंड मैनी मैनी अदर फ्रेंड्स। और सारे बच्चे और सारे उनके टीचर्स सबको, नर्सिंग स्कूल को सबको बहुत 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 धन्यवाद और हैप्पी हेपेटाइटिस अवेयरनेस डे। मैं हर बार ये कहानी बताता हूँ, शायद कुछ को याद हो पर सर को बतानी ज़रूरी है। 1990-91 में जब जीबी पंत में मैं काम करता था तो एक आईएएस ऑफिसर थे, उनको हेपेटाइटिस बी था और उनका हम लोगों ने इलाज किया पर वो गुज़र गए। उनके दो बच्चे थे, एक 5 साल का, याद रखिएगा 5 साल और 7 साल के दो बच्चे थे। मैंने दोनों के टेस्ट कराए, दोनों को हेपेटाइटिस बी निकला क्योंकि पिताजी से माताजी को वायरस गया, सेक्सुअल ट्रांसमिशन। माताजी से दो बच्चे पैदा हुए, दोनों को हेपेटाइटिस बी था। दोनों का हमने इलाज किया, एक बच्चा ठीक हो गया जो 7 साल वाला था, 5 साल वाला बच्चा ठीक नहीं हुआ, उसका वायरस बना रहा। जब वो 1995 में आया 5 साल बाद, अंकल उस समय 11 साल का या 10 साल का हो गया था, अंकल मेरे पेट में दर्द हो रहा है और देखा तो इतना बड़ा लिवर कैंसर और वो बच्चा। सो 95 में हम लोगों को रियलाइज़ हुआ कि डॉक्टरी करने से फ़ायदा नहीं, उन लोगों को जो बीमार हो गए हैं उनके लिए करने से फ़ायदा नहीं, जो लोग नहीं बीमार हैं वो ठीक हो जाएं। और 98 में सर ये प्रयास शुरू हुआ हेपेटाइटिस अवेयरनेस का, और वो दो बच्चों ने शुरू किया। एक लड़की थी उसमें जो 5th या 6th में थी और एक 8th में थी, उनकी मदर डॉक्टर थी। वो दोनों ट्रेन से अपने आप बॉम्बे से आईं और ये येलो रिबन उन्होंने डिज़ाइन किया था उन बच्चों ने, और 98 से ये येलो रिबन कैंपेन शुरू हुआ। ये बच्चों ने किया था, डॉक्टर्स को एक गिफ्ट दी उन बच्चों ने। और 2001 में दिल्ली पहला एक प्रांत था हिंदुस्तान में जहां हेपेटाइटिस वैक्सीनेशन शुरू हुआ, उसके बाद में पूरे कंट्री में गया, ये सब बच्चों के कारण था। और उसके बाद धीरे धीरे 2008 में सारे हेल्थ केयर वर्कर्स, नर्सेस, टेक्नीशियंस में वैक्सीनेशन शुरू हुआ। और उसके बाद अब 2018-2021 बहुत सारे लोग इस प्रोग्राम से जुड़े रहे, जिसमें दलाई लामा साहब ने एक बार ब्लेसिंग्स दी। इसी दिन हमारे को ब्लेसिंग्स मिली थी बाबा रामदेव की, और बहुत सारे लोगों ने इसमें हमें सहयोग दिया। आज सुरेंद्र भाई साथ में हैं इस प्रोग्राम में एज आवर मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैस्केट। पर मैं 3-4 चीज़ें बताना चाहूँगा। मैं वहाँ बैठा था तो मैंने बच्चों से सवाल किया, 6 बच्चे थे, 4 और 2 6। मैंने 6 से पूछा कि आपका लिवर कहाँ है, और 6 में से 5 का सवाल जवाब गलत था। फिर एक से पूछा कि तुम ये प्रोग्राम इन्जॉय कर रही हो, कहती सब ऊपर से जा रहा है, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा। मुझे बहुत दुख लगा और फिर मैंने कहा आगे क्या कर सकते हैं। तो दिस इज़ माय थॉट फॉर टुडे। तो मैंने उन 6 जनों को कहा कि एक छोटा सा नाम बनाइए, योर लाइफ इज़ योर लिवर, इसका एक्रोनिम बना दीजिए कि जिससे लोग याद करें।
और बच्चों ने बहुत बढ़िया एक्रोनिम एक बना दिया विद इन 5 मिनट्स, एंड वो एक्रोनिम है YL2. योर लिवर इज योर लाइफ, द प्रोग्राम विल बी YL2, और इसको नाम दिया है अर्नव ने और देविशा ने. आर यू अराउंड अर्नव? कैन यू गेट अप प्लीज? अर्नव, बिग राउंड ऑफ अप्लॉज. एंड देविशा, आर यू अराउंड? देविशा, कैन यू स्टैंड अप? एंड सो दीज टू किड्स अलॉन्ग विथ मंसज एंड सिया, करेक्ट मी, दे गेव दिस ब्यूटिफुल YL2 एज ए न्यू नेम. एंड ओनली वन पर्सन हु गेव द राइट आंसर कि लिवर किधर होता है वॉज इशिता, 1 out of 6. इशिता है? ऑल राइट, सो इशिता गॉट द राइट आंसर. सो वाई आई थैंक यू ऑल प्लीज, एंड वी विल स्टार्ट दिस YL2 विद द ब्लेसिंग्स. द आइडिया इज इफ यू डोंट नो वेयर योर लिवर इज, वॉट इट डज, बट आई विल गिव यू फ्यू एग्जाम्पल्स, जस्ट 2 or 3 minutes. सर, जैसे ये कमरा ऑडिटोरियम है, इसमें हम लोग सांस ले रहे हैं. सपोज इसमें कॉटन भर दें, बिल्कुल पैक कर दें, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? आउटसाइड गैलरी. फिर वहाँ भी कॉटन भर दें, फिर कहाँ जाएंगे? खुले में. वहाँ भी कॉटन भर दें तो सड़क. वही हाल लिवर का है. लिवर के सेल में अगर आप फैट भर देंगे, क्योंकि आज बहुत सारे बच्चों ने फैटी लिवर पे बात की, मैं समझाना चाहता हूँ, अगर आप लिवर के सेल में फैट भर देंगे तो उसमें इंसुलिन, जिससे कि बॉडी में एनर्जी आती है, वो इंसुलिन काम ही नहीं करेगी. तो फिर पैंक्रियाज और इंसुलिन बनाएगा और कुछ साल में थक जाएगा, डायबिटीज़ हो जाएगी. फिर आप कहते हैं मम्मी पापा आपका तो कोलेस्ट्रॉल हाई है, आप कम खाया करो, फैट्स मत लिया. उससे नहीं, पर ये पूछो तो सही, कोलेस्ट्रॉल आया कैसे ब्लड में? वो कोलेस्ट्रॉल आया बिकॉज लिवर में फैट थी, बाहर चली गई, वो ब्लड में आ गई. तो आपकी डायबिटीज़, और ये जो फैट है ये घूमती रहती है, ये आपकी आर्टरीज़ में जमा हो जाएगी, ब्लड प्रेशर हो जाएगा, हार्ट डिजीज़. तो सिंपल आज से याद रखिए कि लिवर में फैट नहीं रखनी है, हमें सांस लेना है, लिवर के सेल्स को सांस लेने देना है. समझ में आ गई ये बात? इशिता, यू गॉट इट? ऑल राइट, सो वन पार्ट इज़ गुड, ये आपके नहीं जाएगा ऊपर से. दूसरा, स्कूल के बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी, आपकी वेस्ट. दो ही चीज़ें याद रखिएगा, बच्चों के लिए या बड़ों के लिए 90 cm और गर्ल्स के लिए 80 cm. जब बाज़ार जाएं, इससे बड़ी साइज़ की जीन्स नहीं खरीदनी है, इस साइज़ की जीन्स में फिट होना है, ठीक है? अगर ये दो चीज़ें याद रखेंगे, अपने दर्जी को कहना ही नहीं कि मेरी 95 वाली बना दे, मुझे तो 90 cm की जीन्स के लिए तैयार होना है. इफ़ आई गेट इन टू द 90 cm जीन्स, आई एम ओके. और 80 cm. और तीसरा, मैंने पूछा कि आपको हेपेटाइटिस बी का टीका लगा, तो सिया ने कहा पता नहीं लगा कि नहीं. सारे बच्चों को हेपेटाइटिस बी फ्री टीका भी है और बाज़ार में भी 20-25 रुपए में लगता है, क्योंकि लाइफ में दोबारा आप उस 5 साल वाले बच्चे की कैटेगरी में नहीं आए कि मेरे को लिवर की बीमारी हो. मैं चाहूँगा कि ये जो आज दिन है, और हमारे लिए बहुत खुशी है कि हमारे नेबर हेरिटेज स्कूल की प्रिंसिपल सुनीता जी यहाँ हैं, और उन्होंने वादा किया है, मुझे भरोसा दिया है कि उनके यहाँ एक फेस्टिवल है जिसमें 3,500 बच्चे आएंगे, उसके अंदर इस प्रोग्राम को YL2 को आगे ले जा सकते हैं. नरेश जी के पूरे क्षेत्र में 30 बच्चों के स्कूल हैं, वहाँ पे जा सकते हैं, और ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर साहब तो पूरे दिल्ली के स्कूल के बच्चों के लिए मदद कर सकते हैं, हेल्थ वर्कर्स के लिए मदद कर सकते. मेरा एम कोई पब्लिसिटी नहीं, एम यही है, योर लिवर इज़ योर लाइफ, मेक योर लाइफ हेल्दियर, एंड सारे लोग शतायु हों. थैंक यू फॉर कमिंग टू IL2.